जंगल राज की परिभाषा जो लोग दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि कभी न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि जंगल राज के भी कुछ कायदे होते हैं। ये भाजपा अगर यह सवाल उठाती है तो हम समझते हैं कि पहले उसको अपने गिरिबान में झाके देखना चाहिए भाजपा को। आखिर गोली मारना यह कहाँ तक सही है? प्रशासन के सामने बहुत परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां पर कि न चाह कर भी उसे बल का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा फायरिंग नहीं, किया जाता है, जैसे अगर किसी को डंडे से भी अगर मारा जाता है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्या कमर से नीचे पैर में ये किया जाता है? फायरिंग इस तरह से किया गया कि भाई मौत भी हो गई। फायरिंग हुई, मौत किन परिस्थितियों में, गोली कहाँ लगी, क्या है, वह तो अभी पूर्ण रूप से उसकी जानकारी है नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कटिहार में जो घटना घटी बिजली आपूर्ति को लेकर, कुछ लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली भवन गए हुए थे, और उसी दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया, हवा में फायरिंग की गई, और उस दौरान भगदड़ भी मचा, और उस दौरान कई लोगों को गोली भी लगी। कहा जा रहा है एक लोगों की मौत भी, एक लोग की उसमें मौत भी हो गई है। बीजेपी अब इन लोगों को घेरे में ले रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी कह रहे हैं, और विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, विजय सिन्हा सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए, चितरंजन गगन जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा सर, सरकार आप लोगों की है और लगातार, मतलब लग रहा है कि अब लाठी और गोली के बिना आप लोग बात ही नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं भी किसी पर लाठी चले, कोई ऐसी स्थिति हो। लेकिन अब कटिहार में क्या मामला है पूरा भी डिटेल में आया नहीं है, किन परिस्थितियों में पुलिस को जो है सो बल का प्रयोग करना पड़ा, अब जब तक उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे अब तो वहाँ का पुलिस प्रशासन सब सरकार जांच करवा रही है क्या मामला है। जांच के बाद जो स्थिति सामने आएगी उसे उनसे कार्रवाई की जाएगी, मतलब जो भी दोषी लगता है होंगे। कि पूरी को सॉरी पुलिस को पूरा बल दे दिया जाता है, आदेश दे दिया जाता है कि भाई इस तरह का मामला आए तो सीधे प्रहार करना है, बिना पीटे हुए आना नहीं है, बिना गोली मारे हुए आना नहीं है, इस तरह से क्या है? आखिर गोली मारना यह कहाँ तक सही है? नहीं, कभी कभी भी देखिए, जिस विचारधारा को हम लोग मानते हैं, जिस लोहिया के समाजवादी विचारधारा, लोहिया गांधी जयप्रकाश के सिद्धांतों पर हम लोग चलने वाले हैं, हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि कहीं भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। लेकिन अब प्रशासन के सामने बहुत परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां पर कि न चाह कर भी उसे बल का प्रयोग करना पड़ता है। अब वहाँ पर क्या स्थिति हुई, कौन सी परिस्थिति के कारण पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा, या तो जब जांच होगी तो बात सामने आएगी। जो कोई भी इसमें दोषी होगा निश्चित रूप से सरकार उस पर उसके अनुसार कार्रवाई तो आपको करेगी। नहीं लग रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई जो ये सब हो रही है कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बल का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा ऐसा फायरिंग नहीं किया जाता है, जैसे अगर किसी को डंडे से भी अगर मारा जाता है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्या कमर से नीचे पैर में ये किया जाता है? फायरिंग इस तरह से किया गया कि भाई मौत भी हो गई। नहीं, फायरिंग हुई, मौत किन परिस्थितियों में, गोली कहाँ लगी, क्या है, वह तो अभी पूर्ण रूप से उसकी जानकारी है नहीं। और जब स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी पुलिस हो चाहे किसी का भी राज हो, कोई नहीं चाहता है कि यहाँ साहब जो है सो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। और ख़ासकर जो महागठबंधन की सरकार अभी है बिहार में, जो लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाली है, तो जिन्होंने महागठबंधन की सरकार है इसलिए तो ज़्यादा सवाल उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष वाले तो ये कहते ही नजर आते हैं हमेशा कि भाई जंगल राज है। अब देखिए, जंगल राज वापस आ ही गया, पुलिस को भी आप लोग अपने में मिला लीजिए। जंगल राज की परिभाषा जो लोग दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि कभी न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि जंगल राज के भी कुछ कायदे होते हैं, लेकिन जिस राज पर उनका कमेंट था, भाजपा की सरकार पर कमेंट था कि यहाँ तो कोई नियम ही कायदा नहीं है। इसलिए भाजपा अगर यह सवाल उठाती है तो हम समझते हैं कि पहले उसको अपने
गिरिवान में जाके देखना चाहिए भाजपा को। वो कितने बार आंदोलनकारियों को मतलब लाठी से पिटवाया है और नहीं नहीं गोली नहीं कुछ आदमी स्थिति ऐसा भाजपा के लोग जो हैं जानबूझकर बिहार में न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं और प्रायोजित तरीके से बिहार को डिस्टर्ब करने का प्रयास भाजपा के लोग लगे हुए हैं। इसलिए भाजपा के लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे इस्तीफे की मांग जो है सो जो वहाँ पर जो है सो लगातार फायरिंग हो रही है 3 महीने से हजारों घर जला दिए गए हजारों कितने कैजुअल्टी हुई मंत्री का घर नहीं छोड़ा गया तो जो है सो उनको वहाँ पर पहले अथी करना चाहिए मणिपुर पहले उनको अथी करना चाहिए। देखिए कटिहार में जो घटना घटी उस पर बीजेपी के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सरकार से और इधर से जिस तरह के बयान दिया जा रहा है इनका कहना है कि जो मणिपुर में घटना घटी है तो उस समय इस्तीफे की मांग करने वाले जो आज कर रहे हैं उस समय ये लोग कहाँ थे, क्यों नहीं मणिपुर के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मणिपुर का जो हाल है वो किस तरह से है वो तो आप देख ही रहे हैं। चलिए और भी लोगों से यह प्रश्न हम करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।